हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम दिशा वर्षनी एंड आई एम बैक विद दी स्टफ़ अराउंड दी वर्ल्ड सो फ्रेंड्स ये है अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स टोज का लास्ट पार्ट इसका पूरा पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन सो पी मोदी हैज़ इनागरेटेड न्यूट्रिशन पार्क इन विच टाउन ऑफ गुजरात पी मोदी ने गुजरात के किस शहर में पोषण पार्क का उद्घाटन किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेड़िया जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स का इनाग्रेशन हुआ है एंड न्यूट्रिशन पार्क उनमें से एक है जिसका थीम है सही पोषण देश रोशन और ये बहुत अच्छा स्टेप है हम हमें बच्चों को शुरू से ही जागरूक करना चाहिए कि सही पोषण का महत्व क्या है सही पोषण लेने से क्या क्या लाभ होते हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इन्फेंट्री डे ऑफ इंडिया इज़ ऑब्जर्वड ऑन भारत में पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो ट्वेंटी सेवन अक्टूबर को भारत में पैदल सेना दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोल्जर्स को सैल्यूट किया उनको ग्रीटिंग्स दिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इनॉगरेटेड तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया तो कोलकाता शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है और इसका काम अभी भी चल रहा है और ये हुगली रिवर में है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन विच कंट्री रिमूव्ड पीओ के फ्रॉम पाकिस्तान मैप इन इट्स बैंक नोट्स किस देश ने अपने बैंक नोटों में पाकिस्तान के नक्शे से पीओ को हटा दिया है तो सऊदी अरब ने आ, पीओके और गिल गिलजिट सॉरी जिलजिट बलिस्तान को मैप से हटा दिया है एक्चुअली इनका जो बीस रियाल का जो बैंक नोट है ना उसके पीछे वर्ल्ड मैप था और जितने भी जी ट्वेंटी के जो मेंबर्स थे वो डार्कर शेड में थे तो इन्होंने उसमें से इनको हटा दिया है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोर्ट ऑफ विच सीट्स बैंड बाई इंडियन गवर्नमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट तो अभी भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से किन बीजों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है टमाटोज अनियन मस्टर्ड या वाटरमेलन तो अनियन सीड्स पे अनियन सीड्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है मतलब आपको अगर अनियन सीड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज परमिशन लेनी होगी मतलब किसी तरह का गवर्नमेंट ऑथराइज लाइसेंस चाहिए होगा इसके एक्सपोर्ट के लिए नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल भी डेवलप तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को किस राज्य में विकसित किया जाएगा कर्नाटका आसाम महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश तो आसाम में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा और इसका जो एम है मतलब इस लॉजिस्टिक पार्क को बनाने का पर्पज है वो क्या है जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने का उद्देश्य से ये पार्क बनाया जा रहा है और जिनको नहीं पता लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है तो मैं उसको बताना चाहूँगी लॉजिस्टिक बेसिकली जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसका मैनेजमेंट उसका उसका स्टोरेज और उसकी ट्रांसपोर्टिंग का ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है वो सब लॉजिस्टिक में आता है लॉजिस्टिक बेसिकली बिजनेस टर्म है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वग़ैरह ही इस टर्म को यूज़ करते हैं अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू विन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय महिला को मिला है पहली बार मिला है ये तो ऐश्वर्या श्रीधर जो हैं इनको इन फोटो के लिए आ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच स्टेट ए ए आई प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन फुली ऑन सोलर पावर तो ए आई किस राज्य में पहला पूरा सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई है तो केरला में यानी कि कोचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनेगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री अनाउंस टू इम्पोज अ ग्रेजुअल बैन ऑन यूजिंग वाइल्ड एनिमल्स इन सर्कसेस तो किस देश ने धीरे धीरे सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो ये फ्रेंड्स है इनकी जो इकोलॉजिकल मिनिस्टर हैं बारबरा पॉम्पली इन्होंने कहा है कि इनका जो एटीट्यूड है वाइल्ड एनिमल्स के प्रति वो बदल गया है और ये धीरे धीरे जानवरों का जो यूज़ है सर्कस में या जैसे मिंग्स की फार्मिंग है और मरीन पार्क्स में जो ये डॉल्फिन्स और ऑकस वगैरह रखे हुए हैं कैप्टिविटी में उन सब पे बैन करेंगे धीरे धीरे ये Uh, जो भी वाइल्ड एनिमल्स का जो शोषण हो रहा था जो हम लोग करते हैं यूजुअली, एक्सप्लॉइट करते हैं हम एनिमल्स को अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए तो फ्रेंड्स ने ये स्टेप उठाया है और ये बहुत अच्छा स्टेप है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्ट्स दिस सीरो सर्वे तो जो आई है ये सीरो सर्वे करता है एंड सीरो सर्वे जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी सीरो सर्वे मतलब जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं कोविड नाइन्टीन से या जो भी हॉटस्पॉट हैं उन सबका जो पूरा आ, क्या कहते हैं सर्वेक्षण होता है वो ये आई कराता है नाउ मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ स्टॉप दी आई आई एफ एल वेल्थ और इंडिया रिच लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो आई थिंक ये सबको पता होगा ये जो वेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट है उसमें मुकेश अंबानी ने टॉप किया है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच मॉल ऑफ गुजरात इंडियाज़ रिच टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डाइवर्सिटी इज़ ऑन डिस्प्ले जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि वेडिया में यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स का इनाग्रेशन हुआ है एंड एकता मॉल भी उनमें से एक है यहाँ पर जितने भी हमारे भारत के मतलब अलग अलग राज्यों के जो हस्तशिल्प वो है या मतलब जो भी आर्ट है वो डिस्प्ले है डिस्प्ले करी हुई है इस मॉल में एकता मॉल में अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय स्टा स्पाइस जेट किस शहर में भारत की पहली सी प्लेन सेवाओं का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया जाएगा तो फिर से वही बात अहमदाबाद से केवेड़िया के लिए ये सर्विस ऑपरेट की गई है और ये अच्छा स्टेप है इंडिया में पहली बार सी प्लेन सर्विस ऑपरेट कराई है और ये स्पाइस जेट ने कराई है नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन बीई सी ए फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन बीई सी एनि की बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन तो ये किस इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है तो ये यूएस के साथ साइन किया है और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कॉपोरेशंस Uh, होंगे इसमें इस डील इस के अंदर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ कमिटेड स्कॉलरशिप वॉर टू करोड़ टू किड्स एजुकेशन तो बच्चों की शिक्षा के लिए uh, किस कंपनी ने दो करोड़ की छात्रवृत्ति देने का वादा किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी एम आई इंडिया जो है इसने दो करोड़ की छात्रवृत्ति देने छात्रवृत्ति देने का वादा किया है बच्चों की एजुकेशन के लिए एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उन्होंने फोन डोनेट डोनेट करने को बोला है ये भी बहुत अच्छा स्टेप है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच सिटी ऑफ गुजरात पी एम मोदी इनागरेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कहाँ किया है नहीं केवेड़िया नहीं है गिरनार में इन्होंने किया है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रोप वे है ये इसका एक्चुअली इस को इस प्रोजेक्ट को सबसे पहली बार 1983 में प्रपोज किया गया था पर 2018 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है पर और ये अभी 2020 में इसका इनाग्रेशन हुआ है तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इट्स सी एम ऑर्डर टू बिल्ड क्लास रूम इन ऑल पुलिस स्टेशन फॉर वेमेन कंप्लेन अंडर मिशन शक्ति तो मिशन शक्ति के तहत किस राज्य के सी ने सभी पुलिस स्टेशन में ग्लासरूम बनाने का आदेश दिया है तो यूपी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने ग्लास रूम बनवाने का ऑर्डर दिया है ताकि महिलाओं को शिकायतें दर्ज करने में हिचकिचाहट ना हो इसलिए अलग से हर पुलिस स्टेशन में ग्लास रूम्स बनवाए जाएंगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉरी वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ओला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स तो ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग का भारत में क्या रैंक है तो वन थर्टी वन रैंक है आउट ऑफ वन थर्टी एट और राइट मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो दुबई ने स्टार्ट की है अभी ये भी अच्छा स्टेप है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा स्टेप है नाउ मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री बिलोंग्स टू दी पाम फाउंटेन दैट हैज ब्रोकन रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंटेन तो पाम फाउंटेन का जो रिकॉर्ड है वो पाम फाउंटेन ने अभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि दुबई में स्थित है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज एंड फॉर्म क्वाड्रिलेट्रल कोलेशन तो देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है मालाबार एक्सरसाइज इससे पहले इंडिया के साथ यू एस और जापान थे अभी ऑस्ट्रेलिया ने जॉइन ज्वाइन कर लिया ऑलराइट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है तो इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 ज़ीरो सेवन और राइट लास्ट टाइम से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है लास्ट टाइम 102 था इंडिया का रैंक आउट ऑफ 117 और अभी 94 हो गया है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वॉट इज़ द रेंज ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी टू मिसाइल तो पृथ्वी टू मिसाइल की जो अभी टेस्टिंग हुई है उसकी रेंज क्या है देखिए अगर जितनी भी मिसाइल्स हैं उन सबकी रेंज पूछी जाती है एग्ज़ाम में तो आप ये याद रखें पूरा कि तो इसकी जो रेंज है वो है टू फिफ्टी किलोमीटर और ये वन टन कैरी कर सकती है वेट और राइट और ये नाइन मीटर टॉल है और ये फर्स्ट इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है फाइन नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज दी प्रोफेशन ऑफ प्रदीप घोष हु हैज़ रिसेंटली पासड अवे ड्यू टू कोविड नाइनटीन कोविड नाइन्टीन की वजह से हाल ही में प्रदीप घोष जी का निधन हुआ है उनका प्रोफेशन क्या था तो ही वॉज़ इ लोक्यूशनिस्ट एलोक्यूशनिस्ट uh, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी ये एक तरीके की आर्ट होती है पब्लिक स्पीकिंग की मतलब इसमें uh, आपके जेस्चर्स क्या होने चाहिए आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए तो ये एक कला है पब्लिक स्पीकिंग की तो ही वॉज बेंगोली एलोक्यूशनिस्ट और राइट मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली पैन दी इम्पोर्ट ऑफ ए सी विद रेफ्रिजरेटर इससे पहले उन्होंने टेलीविजन को भी बैन किया था अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ऑन विच ओकेज़न पी एम मोदी हैज़ रिलीज सेवेंटी फाइव रुपीज़ क्वाइन तो पचहत्तर रुपये का जो सिक्का है ये वर्ल्ड फूड डे पर जारी किया है गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है जोजिला टनल का जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसे टाइम जो है ट्रैवल करने में कम लगेगा तो ये टनल किसके बीच में श्रीनगर एंड कारगिल के बीच में है ये बहुत सेंसिटिव इलाका है तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था अब स्टार्ट हो गया है तो ये थे अब तक के क्वेश्चन अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच